अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट काउंटिंग में तो टेबल ऑफ कंटेंट में देखते हैं तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम इस चैप्टर में से इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर और उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइप ऑफ द बिजनेस एंटिटीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम इनकम स्टेटमेंट बनाना आ, सीखेंगे तो स्टार्ट करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट तो जिस तरह हमने इंट्रोडक्शन क्लास में इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट चार तरह की होती हैं बैलेंस शीट कैश फ्लो इक्विटी जिसको हम चेंज इन इक्विटी भी कहते हैं और फर्स्ट वन जो होती है वो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट तो इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं फार्मेट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ दोबारा डिस्कस कर लेते हैं फार्मेट तो ये इनकम स्टेटमेंट का फार्मेट होता है सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखते हैं कंपनी के नाम के बाद इनकम स्टेटमेंट और उसके बाद फोर दर एंडेड जो भी ईयर एंड जस्ट लाइक जस हम कहते हैं थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन तो ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट सबसे पहले सेल सेल जो होती है वो हम इनर कॉलम में लिखते हैं उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ से आएगा इसके लिए हम अलहदा स्टेटमेंट बनाते हैं और वहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उठा के इनर कॉलम में जब सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स होल्ड लेस कर देते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट बचता है ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं सेलिंग एंड मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमन बैड एड्स इन सब का सम अप करके हम एक्सटर्नल कॉलम में ले जाएंगे जब इसको ग्रॉस प्रॉफिट से लेस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह ई बी आई टी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या पी बी आई टी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं इसमें से अगर कोई फिनेंशियल कॉस्ट होगी जिस तरह इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह वो हम लेस करेंगे जब हम उसको लेस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसको हम पी बी टी भी कहते हैं और ई बी टी अर्निंग बिफोर टैक्स भी कहते हैं इसमें से टैक्स की वैल्यू जो दी होगी परसेंटेज में वो कैलकुलेट करके वो लेस करेंगे तो नीचे हाँ पर नेट प्रॉफिट जिसको पी ए टी भी कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ई ए, ए टी भी कहते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं अब हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल वही है फोर जिसको हम कंटिन्यू कर रहे थे तो एग्जाम्पल फोर रिक्वायरमेंट देखते हैं तो सबसे पहले कहता है कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शो करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाए और लास्ट वन इज इनकम स्टेटमेंट तो हमारा जो आज इस वीडियो के अंदर हमने क्या करना है इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो हमने कहा था जब हमारा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम वेरिएबल्स वन वन बाई वन आइटम्स को डिस्कस करेंगे इनको और इस कॉस्ट को देखेंगे ये आइटम किस जगह पे जाना है जस्ट लाइक सेल फॉर ईयर तो ये इनकम स्टेटमेंट का आइटम है रॉ मटेरियल परचेज तो ये मटेरियल का सी जी एस का आइटम है इस तरह फिनिश गुड्स जो है ये भी सी जी एस का आइटम है वर्किंग प्रोसेस सी जी एस है परचेज मटेरियल एंड सी जी एस का है, तो ये तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये निशान लगा लिए थे तो ये थे हमारे पास इनकम स्टेटमेंट मटेरियल सी जी एस सी जी एस प्राइम कॉस्ट एफ ओ एच एफ ओ एच तो ये हमने लिस्ट बना ली अब इसमें टोटल मैनुफेक्चरिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ सोल्ड स्टेटमेंट भी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बना ली थी तो ये हमारे पास टोटल मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट बनी थी जिसमें वैल्यू आई थी हमारे पास टू वन थ्री ट्रिपल जीरो और उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाई थी जिसकी वैल्यू आई थी हमारे पास टू वन सिक्स ट्रिपल जीरो दो लाख सोलह हजार और इस वीडियो के अंदर हम इनकम स्टेटमेंट तो ये हमारा क्वेश्चन था अब इस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट के आइटम जो थे हम उनको अंडरलाइन कर लेते हैं हाईलाइट इनकम स्टेटमेंट का आइटम था ये भी इनकम स्टेटमेंट का आइटम है ये भी इनकम स्टेटमेंट का है इनकम स्टेटमेंट का तो ये चार आइटम जो थे ये इनकम स्टेटमेंट से रेलिवेंट थे तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कहाँ जाएंगे तो सबसे पहले फॉर्मेट आ गया इनकम स्टेटमेंट का सबसे पहला आइटम कौन सा लेते हैं हम सेल तो इस क्वेश्चन में देखें सबसे ऊपर सेल दी हुई है चार लाख पचास हजार तो हम सबसे पहले इसमें से सेल लिख लेंगे फोर फिफ्टी थाउजेंड उसके बाद इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अब ये हमने कैलकुलेट की थी और ये हमारे पास आई थी दो लाख सोलह हजार तो हम क्या करेंगे सेल में से दो लाख सोलह हजार ये लेस कर देंगे जब हम इसको इसमें से लेस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा दैट इज वैल्यूड एट टू थर्टी फोर थाउजेंड ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ गई अब इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करने तो सबसे पहला ऑपरेटिंग एक्सपेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और वो कितने का पच्चीस हजार का तो पच्चीस हजार वो आ गया हमारे पास ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंबाइन करके अच्छा डिस्ट्री उसके बाद उसने हमें पच्चीस हजार के बाद जो हमारी वैल्यू है इक्कीस हज़ार एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है और पंद्रह सौ बेडर्स हैं और बिल्डिंग उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डप्रीसी ऑफ बिल्डिंग भी दी हुई है सेवन थाउजेंड तो ये भी हमने लेने जी तो डिस्ट्रीब्यूशन डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग की जगह नहीं छोड़ी तो हम डिस्ट्रीब्यूशन की जगह लिख लेते हैं और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने सेवन थाउजेंड तो सेवन थाउजेंड ये आ गया हमारे पास उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट उसने दी हुई है हमें इक्कीस हजार और बैडर्ट्स दिए हुए उसने पंद्रह सौ के इन चारों को समप करेंगे समअप so किया तो ये हमारे पास आगे फाइव फोर फाइव डबल ज़ीरो इसको हम लेस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से तो ये वैल्यू आ गई वन सेवन नाइन फाइव डबल ज़ीरो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया उसके बाद हमारे पास कोई फिनेंशियल लोन वगैरह नहीं है तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर भी वही वन सेवन नाइन फाइव डबल ज़ीरो कोई टैक्स की वैल्यू नहीं दी हुई तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया वन सेवन नाइन फाइव डबल ज़ीरो ही हमारा नेट प्रॉफिट तो इस तरह हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं अल्लाह हाफिज़